लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक नेता बयानबाजी करने में लगे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक और बयान दिया और सरकार पर इशारों ही इशारों में सवाल दाग दिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने आशंका जताई कि अगर केंद्र की सत्ता में फिर से बीजेपी आई तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 2,000 रुपए तक कर देगी। बनर्जी ने झाड़ग्राम जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो वे रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 1,500 रुपए या 2,000 रुपए तक कर सकते हैं। ऐसा होने पर हमें फिर से खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाने की पुरानी प्रथा को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैंने एक युवा से पूछा कि क्या उसे 100 दिनों की कार्य योजना के लिए पैसा मिला है। उसने कहा है कि उसे लगभग 30,000 मिले हैं। ये वही राशि है जिसका केंद्र सरकार ने पिछले 2 सालों से भुगतान नहीं किया है, लेकिन हमने 59 लाख लोगों को उनके बकाए का भुगतान कर दिया है। ममता ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को अप्रैल के अंत तक आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण पूरा करने की चेतावनी भी दी और दावा किया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी सरकार मई से इनका निर्माण शुरू कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की घोर आलोचक ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अब तक मनरेगा का बकाया भुगतान नहीं किया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने अब तक मनरेगा का बकाया भुगतान भी नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।